चलो शुरू करते हैं। मैं पता है बचपन में मेरे बाल काफी हैवी थे, काफी भारी थे। अब तो मतलब बिल्कुल रहे नहीं ना, तो मेरे को बहुत पेन रहता था, हमेशा हमेशा पेन रहता था। और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा प्लीज मेरे को बाल कटवाने दो। और घर वालों ने कभी बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं काट रहे। मेरा पोस्चर खराब हो गया, मेरी हेल्थ खराब हो गई। और मुझे काफी लोगों ने गुस्सा भी किया घर पे कि बाल तो बिल्कुल नहीं काट रहे, बाल तो बिल्कुल नहीं काट रहे, जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। इस वक्त कल मैंने सिर धोया और मैंने इतने पेन में सिर धोया क्योंकि मेरे को ये चार बाल भी नहीं संभाले जा रहे। कैन यू बिलीव दिस, मैं ब्रश नहीं कर पा रही खुद से। अगर दांत निकालने का कोई तरीका होता ना, मैं दांत निकाल देती। मैं नहा नहीं पाती, इसलिए आई हेट माई हेयर इतने ज्यादा। पता है इस तरह बाल काटने का ना बहुत जिकरा चाहिए। कोई भी लड़की ना ऐसे अगर बाल काटेगी ना, वो खुश होके नहीं काटेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि मैं अच्छी दिखूं। बट मेरा क्या है कि मैं तंग आ गई हूँ बहुत ज्यादा। मेरे को अपने बालों से पता है कितनी नफरत हो गई है कि इन बालों की वजह से मुझे कितना आज तक सहना पड़ा है। आई डोंट गिव फक अबाउट एनीथिंग, पता है। हाँ, इम्पल्सिव डिसीजन लग रहा है आपको ये, पर ये मैं बहुत सोच के कर रही हूँ। एक बार बचपन में मम्मा ने मेरे इतने से बाल काट दिए क्योंकि मैं शादी में जाने वाली थी और वो नीचे से काफी अजीब लग रहे थे। शाम को फिर जब मैं वापस आई शादी से, तो मेरे घर के एक सदस्य ने मेरे को कमरे में ले जाके बोला, बहुत गुस्सा किया कि मेरे वो छोटे से इतने से बाल थे, वो इतने से थे खाली, कि वो काटे तो काटे कैसे। तो वो जो बंदा था उसके लिए ये ऐसे काटे, क्योंकि बाल मैटर नहीं करते, इंसान मैटर करता है। लुक एट दिस नाउ, बाल मैटर नहीं करते यार, इंसान मैटर करता है यार। आपने उस इंसान को इतना तंग किया, वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसके बाल इंपॉर्टेंट हैं। बाल नहीं काट रहे क्योंकि लड़की बिगड़ जाएगी, लड़की फैशन करेगी। क्या मैं फैशन कर रही हूँ? मैं बाल काट रही हूँ, ये फैशन है। पता है मैं क्या करती थी जब मैं छोटी होती थी? मेरे को पता था कि कोई मेरे को बाल नहीं काटने देगा और मुझे कोई फैशन नहीं मारना था यार बाल काट के। कभी भी मुझे था कि मेरे को इतने मतलब मैं बहुत वीक थी और मेरे बाल बहुत हैवी थे, मतलब बहुत भारी थे यार। अब तो कुछ रहे नहीं ना, तो मेरे को था कि बाल काटूंगी। मतलब थोड़ा यार, जिंदगी में ऑलरेडी इतना ट्रॉमा था, कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिले मेरे को। कम से कम मेरा जो सर ऐसे है, बालों के बाहर से मैं ऐसी हो गई थी, मेरा पोस्चर ऐसा हो गया था, कम से कम वो तो ठीक हो। तो मैं क्या करती थी, मैं कैंची लेके ना बीच बीच से यहाँ से बाल पकड़ के काटती थी कि मेरे थोड़े बाल थोड़े तो हल्के हो जाए। एक लड़की को ना उसके बालों से पैरा कुछ नहीं होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग करवाई थी ना, और मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, अच्छी कटिंग करवा रही थी मैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा था कि हाय मेरे बाल इतने अच्छे हैं, क्यों कटवा रही हूँ मैं, क्यों इतना सर्वाइकल हो गया मुझे, क्यों इतने इश्यूज हो रहे हैं मुझे। बट द थिंग इज कि इंसान की जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका बच्चा किसी चीज से तंग आ चुका है ना, तो आपको वो चीज देखनी चाहिए कि आपका बच्चा उस चीज से इतना तंग क्यों आ गया है। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए ना, कि बोलना चाहिए कि ये बाल कटवा के फैशन मारेगी। अगर बचपन में मेरे बाल कटवा दिए होते तो शायद मेरे को सर्वाइकल ना होता। अगर मेरे को सर्वाइकल ना होता तो शायद आज मैं इतने पेन में ना होती, शायद मैं जो ब्रश नहीं कर पाती, एक ब्रश पकड़ नहीं सकता इंसान। अब बताओ मैं फैशन कर रही हूँ क्या? ये आपको फैशन लग रहा है बाल काटना? काफी लोग बोल रहे होंगे, अपर्णा क्या कर रही हो, अपर्णा क्या कर रही हो। अपर्णा को फर्क ही नहीं पड़ता यार किस चीज से, उसके लिए ये बाल मैटर ही नहीं करते। क्योंकि मुझे पता है कि कल मैंने कितनी मुश्किल से सिर धोया, ये चार बाल मैंने कितनी मुश्किल से धोए। मैं अपने बाल भी नहीं संभाल पाती यार। क्या है ये, नाशवान चीज है। इन बालों की वजह से अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको काट के फेंक दो। अगर मुझे घर वाले बाल ही कटवाने दे देते ना मेरे बचपन में, तो मुझे आज खुद ऐसे नहीं करना पड़ रहा होता। अब सोचो, किसी इंसान को अपने बालों से प्यार ही नहीं है। कोई लड़की, एक लड़की को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, पता है, मुझे भी था बहुत। पर जो चीज़ आपको इतनी प्रॉब्लम देना, इतना दर्द देना, वो चीज मैटर ही नहीं करती है ना कोको। हाँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? पता नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को बाल कटवा के खुशी मिल रही है। मेरे को बस ये है कि मेरे को अपने सर से भार नहीं चाहिए यार। इतना भार मैं बर्दाश्त यार
अब तो बाल मेरे छोटे हो गए ना, पर मुझे ये भी बाहर बर्दाश्त नहीं होता है, उनको नहीं बर्दाश्त होता है यार ये बाहर। जिन लोगों ने आज तक मुझे मेरी मन की नहीं करने दी, देखो मैं लिटरली उस उन लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को इस चीज के लिए तंग किया आज तक। और मैं रोती थी कि प्लीज थोड़े बाल कटवाने दो, मेरा थोड़ा थोड़ा पेन कम हो जाएगा। ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो आपके आपके बच्चा मैटर करता है यार, जो तड़प रहा है, ये मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता यार। पागल हूँ यार ऐसे कौन करता है यार, कौन अपने बाल काटता है ऐसे, कोई लड़की तो नहीं काटती कभी अपने बाल ऐसे। पर ये चीज आपको इस चीज से पता चलता है कि मैं कितनी तंग आ गई हूँ। एक बाल लड़की की खूबसूरती होती है, मेरे को नहीं, मेरे को पता है मैं ये बाल काट के बहुत अजीब लगूंगी जो कि अभी लग रही हूँ, बट द थिंग इज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। जिस चीज से मुझे फर्क है पड़ता है वो है मेरा पेन, जो मुझे 24 घंटे रहता है, 24 घंटे मेरे को जो पेन होता है ना मुझे उससे फर्क पड़ता है। बाल ही तो है यार, अगर आपका बच्चा कह रहा है कि बाल कटवा दो, उसको दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, तो कटवा दो यार, वो सच बोल रहा है, उसको फैशन नहीं मारना उसको। आज मुझे मेरी बीमारियों ने इतना तंग करके रखा है ना, अगर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया होता ना तो मैं अभी दिल्ली अकेली नहीं बैठी होती और राय में अभी ऐसी करतूत कर रही होती। पता आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है और मैं कितने पेन में हूँ, क्योंकि जो लड़की अपने बाल इस तरीके से काट सकती है ना, उसको किसी चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पता है किसी चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ कितना भारी है यार ये, नहीं संभाले जा रहे थे मुझे, लिटरली मेरे को नहीं संभाले जा रहे थे। ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, आई एम फीलिंग सो फ्री नाउ, पता है इन बालों की वजह से। काश ये बचपन में मैंने कर दिया होता, जब मैं रोती थी कि प्लीज मेरे को बाल कटवाने दो, काश मैंने तब खुद कैंची लेके ये स्टेप उठाया होता तो आज मैं इतने पेन में ना होती, पता है। मैं बचपन से एक बहुत ही कमजोर बच्ची रही हूँ, बहुत ज्यादा वीक फिजिकली, पर आपने कभी उस बच्चे को कुछ समझा ही नहीं। आपके लिए उसके बाल इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाल जिनको एक दिन सड़ के राख हो जाना है ये इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। पता है कितना पेनफुल है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंड सेट ऐसा है जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। गॉड आई एम फीलिंग सो लाइट, वाओ यार मैं पागल लग रही हूँ ना, पर मैं पागल हूँ नहीं एक्चुअली। मैं एक्चुअली मैं ना मेरी अभी तो मैंने वैसे ट्रिमर उठाया था काटने को, पर मैंने सोचा कि पता नहीं मैं क्या कर दूँगी ट्रिमर से, तो मैंने इसलिए खुद ही काट दिए अपने बाल, मतलब ऐसे करके काट दिए, क्योंकि मेरे काम नहीं आ रहे, पर ये बाल किसी और के काम तो आ सकते हैं। आई विल ट्राई, देखूँगी कहीं डोनेशन के लिए अगर होता है तो फिर मैं ये बाल डोनेट कर दूँगी, कि कोई जिसको बाल चाहिए, जो चाहता है कि उसके बाल हो सिर पे अच्छे खासे, कोई कैंसर पेशेंट या कुछ, तो इसलिए मैंने इस तरीके से काटे ताकि बाल बिखर ना जाए, या फिर मैं भी किसी सैलून में जाके बाल कटवा सकती थी, पर अगर मैं वहाँ पे जाके कटवाती तो फिर शायद इस तरीके से मेरे को, मतलब इस तरीके से नहीं हो पाते, क्योंकि अगर डोनेट करने हो तो आपको इस तरीके से करने होते हैं ना डोनेट। कितना तंग किया मेरे को तुमने, पता है सोच भी नहीं सकते। एक लड़की जो अपनी इस तरीके से बाल काट सकती है उसमें बहुत गट्स हैं, पता है वो किसी की गर्दन भी काट सकती है, पता है, पर किसी की गर्दन काटने से अच्छा अपने बाल ही काट दे बंदा। अब मैं जाऊंगी कहीं सैलून में, उनको बोलूंगी कि इनको ट्रिम कर दो, छोटा कर दो। क्या है ना बाल वैसे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है, पता है मैटर ही नहीं करती है, और इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा हुआ बना के बैठे कि बाल इंपॉर्टेंट होते हैं। बाल नहीं इंपॉर्टेंट होते, इंसान इंपॉर्टेंट होता है, इंसान की हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, पर वो कभी किसी ने कुछ समझा ही नहीं। सुबह उठ के मैंने सोचा नहीं था कि मैं शाम तक ये गांड कर दूंगी, पर मैं बहुत तंग आ गई हूँ यार। वैसे तंग तो मैं अपने आप से आ गई हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ, पर वो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैंने अपने बाल ख़त्म कर दिए।
अगर आपके घर में कोई मजबूर इंसान है ना, किसी चीज के लिए रो रहा है कि किसी चीज से तंग है, तो उसकी सुनो यार, उसके साथ ऐसा मत करो यार कि उसको ऐसा स्टेप उठाना पड़े। ये तो मैंने अपने बाल काटे ना, कुछ लोग तो सुसाइड कर रहे थे, एटलीस्ट मैंने वो तो नहीं किया ना। आई एम फीलिंग सो लाइट नाउ। कोई कुछ पूछ तो हल्का हुआ जिंदगी से, कोई दम तो दूर हुआ। वाओ कुछ फील ही नहीं हो रहा। यही अगर बचपन में करा दिया होता ना, ये कटिंग करवा दी होती ना अगर बचपन में मेरी, अगर तुमको लग रहा था कि मैं बाल कटवा के फैशन मारना चाहती हूँ, अगर तुमने ये करवा दिया होता ना तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे फैशन नहीं मारना था यार, मेरी मजबूरी थी। तो अब मैं जा रही हूँ हेयर कट करवाने, मतलब कि अब ऐसे बालों के साथ तो रह नहीं सकती ना कुछ करवाना पड़ेगा। और वसु को वीडियो कॉल करी थी और वसु कहती कि कुछ करो, टोपी पहन लो ऊपर, पर मैंने थोड़ा हेयर बैंड लगा दिया, मतलब ये मतलब पीछे से अजीब लग रहा, सामने दिख रहा है इंसान ने खुद कुछ कांड किया हुआ है। ये क्या कर दिया? कर दिया कुछ, साइड से इतना अजीब लग रहा है ना कि लड़की ने क्या किया हुआ है, पीछे से भी। बट मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, अब फर्क पड़ता तो सिर्फ अपनी हेल्थ से, दैट्स इट। मैं लाइफ के स्टेज पे आ चुकी हूँ, एक पॉइंट पे आ चुकी हूँ जहाँ पे बंदे को किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पता है। ये ग्रीन पार्क, मैंने ना खुद बाल काट दिए हैं, तो अब इनके जो भी हो सकता है वो कर दो। कटवा दिए पूरे बाल, पर जो मैंने किए थे ना वो ज़्यादा अच्छे थे यार। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, पर अब क्या कर सकते हैं। मैंने उसको बोला था इतने इतने कर दे, पर वो माना नहीं, पर शायद मैं खुद इतने इतने कर दूँ घर जाके, ट्रिम पूरे चकाचक टकली। तो मैं अपने लिए वाइट लिलीज ले रही हूँ, जिनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है यार। लिलीज की खुशबू मेरे को इतनी पसंद है ना, अगर मैं आपके घर आती हूँ तो आप मेरे को लिली गिफ्ट कर सकते हो, या अगर आप मेरे घर आते हो तो आप मेरे को लिली गिफ्ट कर सकते हो। को आपकी दीदी ने तो कांड कर दिया। ये डिसीजन अगर आज से मैंने 10 साल पहले, 10 साल भी नहीं, 15 साल पहले लिया होता ना, तो मुझे आज ऐसा मतलब, तब मुझे घर पे ऐसे पकड़ के कैंची से ना सारे बाल काट देने चाहिए थे, और बोलना चाहिए था कि करो जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तब इतने गट्स नहीं थे। पर अब जो मैं इंसान बन चुकी हूँ ना, वो इंसान बनने में मुझे काफ़ी कुछ खोना पड़ा, और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये इसने क्या कर दिया, ये कैसा डिसीजन था, पर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, ना किसी चीज़ से और ना किसी के कुछ कहने से।